नमस्कार, शाम के साथ बदलने वाला है वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का हो गया है। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम सारी बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ दिखाते हैं। मेरे साथ हैं विद्या नाथ झा और मैं हूं रूपिका लियाकत। कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया। स्टंट करते हुए 3 अभिनेता पानी में कूदे, एक बाहर आ गया, जबकि बाकी 2 के पानी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। हादसा बेंगलुरु की टीपा गोंडाना हल्ली लेक में हुआ। हेलीकॉप्टर से 3 अभिनेता पानी में छलांग लगाते हैं, लेकिन विजय नाम के अभिनेता के अलावा बाकी दोनों अनिल और उदय बाहर नहीं आए। दोनों की तलाश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों पानी में डूब गए हैं। हादसा कन्नड़ फिल्म मस्तीगुडी की शूटिंग के दौरान हुआ। 1980 में एक अभिनेता की मलयालम फिल्म कोली एकम की शूटिंग के दौरान मौत हो गई थी। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान घायल हुए थे। विजय फिल्म के लीड एक्टर हैं, जबकि बाकी दोनों अभिनेता फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं। दिल्ली NCR में पोल्यूशन के मुद्दे पर आज NGT ने एक बार फिर से केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि कृत्रिम बारिश कराने की प्लानिंग पर कितना काम हुआ। फसलों का अवशेष जलाने के मामले पर कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पूछा कि ऐसा कर रहे कितने लोगों का चालान काटा गया। आज कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिफिशियल रेनिंग के विषय में आप क्यों नहीं सोचते, जिस प्रकार का स्मॉग है इस टाइम पे, तो उस हिसाब से आपको आर्टिफिशियल रेनिंग करानी चाहिए। आप तुरंत क्यों नहीं इस पे कुछ कार्रवाई करते। और कोर्ट को कल तक कहा है कि कोर्ट ने कल तक कहा है दिल्ली सरकार से कि इस पे बताए। के अलावा क्रॉप बर्निंग का एक मेजर इशू था और आसपास के जो राज्य हैं यहाँ पे क्रॉप बर्निंग की क्यों बात हो रही है, तो कोर्ट कह रहा है कि आपने कितने चालान करे, आपने सख्ती तो दिखाई है कि आपने करा क्या है। NGT ने कल तक 4 राज्यों से सवालों के जवाब देने को कहा है। हालांकि आज से ही दिल्ली में पानी के छिड़काव का काम शुरू हो गया है। दिल्ली और NCR में लगातार 3rd दिन छाई धुंध और एयर पॉल्यूशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 500 के ऊपर है, जबकि इसे 60 GM3 होना चाहिए। इसके अलावा PM10 950 है, जबकि इसे 100 GM3 होना चाहिए। PM2.5 के कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, साथ ही हवा में मौजूद जहरीले रसायनों को भी शरीर में पहुंचाते हैं। LG नजीब जंग ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग की। बैठक में उपराज्यपाल ने 15 साल पुराने डीजल वाहनों की रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश दिए। प्रदूषण से लोग परेशान हैं, सांस लेना, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि पंजाब हरियाणा सिरे से दिल्ली सरकार के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। क्रॉप बर्निंग सारी गवर्नमेंट अगर खरीद ले, जहां भी जलाई जाती है, जिस भी स्टेट में जलाई जाती है, और किसान भाइयों को उसकी पूरी रकम अदा कर दी जाए और उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये परेशानी कहीं होगी नहीं, पूरे रीजन में नहीं होगी। डेटाज बताते हैं और पैरामीटर्स बताते हैं, हरियाणा की पराली जलने का जो पोल्यूशन होता था उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, और उसे हमने पहले ही अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू उन लोगों को इंसेंटिवाइज कर उन लोगों को चालान करके हमने रोका है। बदनाम को तो बदनाम कर रहा है, जैसे पहले कह दिया कि पंजाब में 78 फुट निशाई हैं, हमारे तो 1% भी निशाई नहीं। आज सर्वे कर ले, एक एक गाँव में चले जाएँ, एक जे 10,000 की वादी है हमारे गाँव में, जे 10,000 की वादी में 100 बंदा स्माइक लेता हो फिर 1% बनेगा, निकाल दो हमें। अभी दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों के सामने सांस लेने की समस्या है, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। सड़क पे पड़ा हुआ पेशेंट अस्पताल चाहता है, किसने टक्कर मारी ये नहीं चाहता है, वो बाद में सोचेंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक दिल्ली इस साल 17 साल में सबसे घनी धुंध का सामना कर रही है। यूनिसेफ के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर 2.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की मांग काफी बढ़ गई है, और दिल्ली में लोग बड़ी तादाद में मास्क भी खरीद रहे हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहली बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की गई। कांग्रेस नेता AK एंटनी ने ये जानकारी दी। कहा, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने पर आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी, बीमार होने की वजह से सोनिया मीटिंग में नहीं पहुंची। नो, वी विल कन्वे दिस sentiments or unanimous view of the Congress working committee to the Congress president. Then, call of action, it is Congress president will finalize. कांग्रेस ने NDTV इंडिया पर बैन को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। वो आरोपी के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।
बीजेपी ने कहा इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रेस की आजादी पर कुठाराघात हो रहा है, जिस प्रकार से एनडीटीवी चैनल को बैन कर दिया गया है, जो हमला बोला जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी पर मोदी सरकार के द्वारा, उसकी घोर और कठोर निंदा कांग्रेस कार्य समिति ने की। दिस सर्मन्स आर कमिंग फ्रॉम ए पार्टी व्हिच हैज इंपोज्ड इमरजेंसी 19 एंड हाफ मंथ्स ओनली। डेमोक्रेसी वाज ऑफ टेकन ऑफ एयर फॉर 19 एंड हाफ मंथ्स। सूचना प्रसारण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक एनडीटीवी इंडिया 9 नवंबर को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर रहेगा, यानी चैनल का प्रसारण नहीं होगा। जनवरी में हुए पठानकोट आतंकी हमले की कवरेज को लेकर ये कार्रवाई की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आतंकी हमले की कवरेज के लिए न्यूज चैनल को ऑफ एयर करने को कहा गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से बनाई गई अलग अलग मंत्रालयों की समिति ने एनडीटीवी इंडिया पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। समिति के मुताबिक पठानकोट हमले के दौरान चैनल ने सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दिखाई थी। चैनल ने पठानकोट हमले के दौरान एयरबेस में मौजूद हथियारों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और हेलीकॉप्टर के बारे में भी बताया। राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बने तो यूपी में उनका पहला टेस्ट होगा। अब तक उनकी लीडरशिप में कांग्रेस 7 महीने में 20 चुनाव हार चुकी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा 3 दिनों के भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच 2 अहम समझौते हुए। आज सुबह थेरेसा ने इंडिया यूनाइटेड किंगडम टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में समर्थन के लिए ब्रिटेन को धन्यवाद किया। ब्रिटिश पीएम ने भारतीयों के लिए आसान वीजा नियम का वादा किया। इट इज एन ऑनर फॉर अस दैट यू चूज टू विजिट इंडिया एज योर फर्स्ट बायलैटरल ट्रिप आउटसाइड योर इमीडिएट नेबर। सो वी विल ऑफर फॉर द फर्स्ट टाइम टू एनी कंट्री दैट नीड्स वीजास टू एंटर ब्रिटेन व्हाट इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड ट्रैवलर स्कीम। भारत और ब्रिटेन ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी। थेरेसा ने मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की मदद की बात कही। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद थेरेसा ने जुलाई में प्रधानमंत्री का कामकाज संभाला था और ये उनका पहला द्विपक्षीय दौरा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि जल्द ही कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक हफ्ते में सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फॉर्मूले की भी वकालत की। सब निष्क्रिय, कुछ जो स्कूल जलाते थे उनको बंद कर दिया है, पकड़ा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर देयर शुड बी सम गुड न्यूज़। विद्यार्थी प्रदर्शन पर उतारू है, उनके माता पिता बाहर निकले, जो अपने बच्चों के लिए तो व्यवस्था करते हैं देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में, और गरीब के बच्चे का स्कूल जला देते हैं, वो स्वयं बेनकाब हो चुके हैं। स्कूल जलाने के ज्यादातर मामले दक्षिण कश्मीर से सामने आए हैं। हालात सुधारने के लिए सेना ने दक्षिण कश्मीर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर घाटी में अब तक 30 से ज्यादा स्कूल जलाए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा सरकारी इमारतों को आग लगाई जा चुकी है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की पोती जिस स्कूल में पढ़ती है वहां कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई थी, बाकी स्कूल पूरी तरह बंद है। कश्मीर में बंद और प्रदर्शन के बाद से अब तक 2 पुलिस वालों समेत 85 लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर हिंसा की वजह से 4 महीने तक प्रभावित रहने के बाद आज से जम्मू में सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में पुंछ में शहीद गुरसेवक सिंह को आज पंजाब के तरन तारण में नम आंखों से अंतिम विदाई। सिपाही गुरसेवक सिंह कल पुंछ की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में शहीद हो गए थे। शहीद गुरसेवक के घर में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे को लफ्ज नहीं आ रहा है, वैसे गर्व की बात तो बहुत है कि उसने शहीदी पाई, लेकिन आज ही पढ़ी मैंने, सुबह ही पता चला कि उसका जैसे मतलब गोली लगकर उसने शहीदी भी है, लेकिन मैंने बिलीव नहीं हुआ रहा था, मैंने क्या करें, बिलीव तो करना पड़ेगा।
जल्द ही गुरसेवक की शादी होने वाली थी, लेकिन गुरसेवक की शहादत से एक पल में ही उनकी मंगेतर के सारे सपने टूट गए। पच्चीस साल के गुरुसेवक सिंह 2013 में 22 सेक्स रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 3 महीने पहले ही गुरुसेवक की सगाई हुई थी। 12 फरवरी 2017 को गुरुसेवक की शादी होने वाली थी। उससे पहले 28 अक्टूबर को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भारतीय जवान मनदीप सिंह शहादत का बदला लेते हुए सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट पर तोप से हमला किया। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में आज पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर तोड़ा गया। सुबह 9 बजे से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई। भारत की ओर से पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस को साझा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। जो भी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी अहम और बड़ी सख्त होगी। हमने उसी प्रकार के हथियार इस्तेमाल किए जिस प्रकार के हथियार हमारे खिलाफ कर रहे हैं। ये एक किस्म की आदत बना लिया पाकिस्तान ने कि जब मर्जी की सीज़फ़ायर वायलेशन कर दी, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहता है। और आपकी जानकारी के लिए 100 से ज़्यादा बारी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट ये सीज़फ़ायर वायलेशन कर चुका है सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद में। रविवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने आतंकियों को घुसपैठ में मदद के लिए अंधाधुंध गोलाबारी की। पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा बार सीज फायर उल्लंघन किया है। आतंकी हाफिज सईद का एक और धमकी भरा वीडियो सामने आया। हाफिज सईद ने दावा किया है कि भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। बौखलाए हाफिज ने कहा कि वो भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना दिखाएगा। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है। तो मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। हाफिज सईद मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। हाफिज सईद पर रूस, यूरोपीय यूनियन, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन का प्रतिबंध है। आतंकी हाफिज सईद संसद पर हुए हमले में भी शामिल था। 28 सितंबर को सेना ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और इसमें करीब 50 आतंकी मारे गए।